मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड का टीका लगवा लिया है। वे जयपुर के इसी टीकाकरण केंद्र में आए थे, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शनस डिजीज में। यहाँ पर उन्होंने टीका लगवाया और टीका लगवाने के बाद उन्होंने एक संदेश भी दिया कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए आगे आना चाहिए और इससे जुड़ी भ्रांतियाँ जो भी है वह सभी अनुचित है। लगे हाथों उन्होंने ये भी कहा, कोरोना अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ये ज़रूरी है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करें। वैसे भी राजस्थान में कोरोना के बेहतरीन और शानदार प्रबंधन को लेकर SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी जी से बात करते हैं। सर, आज मुख्यमंत्री जी ने भी आके वैक्सीन लगाया है। मैं एक सवाल, मुख्यमंत्री जी आए थे वैक्सीन लगवाने, क्या चल रहा था सर उनके दिलो दिमाग में, क्या चल रहा था? सबसे बड़ी बात है क्योंकि कोरोना को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ भी थी, मुख्यमंत्री जी का क्या कहना था इस पूरे? बेसिकली मुख्यमंत्री जी कोविड मैनेजमेंट प्रोग्राम में बहुत प्रोएक्टिव हैं। उनकी इच्छा थी कि राजस्थान जिस तरह कोविड मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में देश में सर्वप्रथम रहा, वैक्सीनेशन की ड्राइव में भी हम सर्वप्रथम रहें। और इसी के संदर्भ में आपको जान के खुशी होगी कि देश में अभी तक जितने वैक्सीनेशन हुए हैं उसके 25% राजस्थान में हुए हैं। राजस्थान देश का सबसे अग्रणीय वैक्सीनेटेड स्टेट है। तो मुख्यमंत्री बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुशी के साथ आए और वो उनका विधानसभा में बजट रिप्लाई के बाद आना चाहते थे, तो कल बजट रिप्लाई हुई, आज तुरंत वो आ गए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी वैक्सीनेशन लगवाया और उनका यही ध्येय है कि हम राजस्थान को कोविड मुक्त करें, कोविड की मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को कम करें। इसके साथ ही वो हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने के लिए हमें एडवाइस करते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री बहुत ही खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, फेथ और कन्विक्शन के साथ वैक्सीन लगवाने आए। सर, एक सेकेंड लेयर की बार बार बात कही जा रही है, राजस्थान कितना सुरक्षित है इससे, क्योंकि नंबर ऑफ केस तो बढ़ लोग, मैं सोचता हूँ, मैं अगर इसको ऐसे कहूँ, राजस्थान के लोग थोड़े सेंसिबल हैं और अगर थोड़े और अधिक सेंसिबल होने की आवश्यकता है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहें और जिस तरह हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है तो अगले कुछ महीनों में हम पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जब तक राजस्थान के लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड वॉशिंग को फॉलो करेंगे तो शायद डेफिनेटली कुछ स्टेट्स में सेकेंड वेव के पेशेंट आ रहे हैं, बट उनसे प्रोटेक्ट करने का यही तरीका है। डॉक्टर सुधीर भंडारी, SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जब आज राजस्थान में कोरोना का टीका लगवा रहे थे तब ये भी मौजूद थे और साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री किस तरह गंभीर है कोरोना के मामले को लेकर। साथ ही उन्होंने यह भी एक बात कह दी है कि राजस्थान में अभी तक फिलहाल कोरोना के दूसरी लहर के आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी संवेदनशील हैं, कुछ और सतर्कता बरतनी जरूरी है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।